निकल चुके हैं और स्टार्ट है। तो दोस्तों आज देख सकते हैं हम लोग अभी कुमारा फिल्म के शूट से अभी आए हैं और ये चीकू होटल पे आए हूँ। और इसके बाद मैं कहना चाहूंगा सभी कलाकारों से एक बार मिलवाता हूँ आप सभी को। तो चलते हैं, देखते हैं आज की शूटिंग कैसी हुई, सभी से पूछते हैं कैसा आनंद आया कि नहीं। तो चलते हैं सबसे आगे, मैम को मिलवाते हैं आपसे। मैम आज की शूटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? आज मैं शूटिंग में थी ही नहीं, मैं क्या कहना चाहूंगी। आप ही बताइए, आप शूटिंग में थे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं छोड़िए, बहुत अच्छा लगा शूटिंग के दौरान आज यहाँ उपस्थित। अच्छा डुप्लीकेट मैम तो मिल गया भाई, बताओ शूट में और क्या कहना चाहेंगे शूटिंग के बारे में? शूटिंग के बारे में जो भी था कॉस्ट्यूम वगैरह बहुत ही सुविधा, बहुत अच्छी थी। क्या था सुविधा और कॉस्ट्यूम जो था बहुत अच्छा सिस्टम था। कॉस्ट्यूम कैसा था, किस प्रकार का था? सुविधा में मतलब आप खाना वहाँ खाए? खाना बहुत अच्छा था, टेस्टी था। आपका दिनचर्या कैसी थी आज का, दिन भर का पूरा रहा? बहुत मज़ा आया, बहुत क्या बताया, मज़ा आया। खाया कितने बार? खाया एक ही बार, खाया मिला ही नहीं दोबारा। और एक बार में क्या खाया? क्या खाया, रोटी खाया है, थोड़ा सा चावल खाया, चावल मिली थी थोड़ा सा, थोड़ा सब्जी भी था साथ में। थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मिला था, सब्जी थोड़ा सा डाल दिया, थोड़ा सा क्या हुआ, ये इतना कुछ गया? अब छोटे से है तो थोड़ा ही मिला, पेड़ में गया था पर अब चूहा कूद रहे हैं थोड़ा थोड़ा, पेट में ही कूद रहा है भाई। साया गलत जगह से ना निकले, चीकू होटल ऐसा। यहाँ सफोकेशन बहुत है और पेशेंट भी बहुत है। मैं यहाँ रात्रि कालीन 3 बजे आई थी। वाह रात्रि कालीन यार, गजब क्या हिंदी है, वाह। मैं रात्रि कालीन आई थी, यहाँ का इंस्पेक्शन किया मैंने, देखा मौज किया मैंने। ये हॉस्पिटल होटल कम हॉस्पिटल ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ इस तरह से पेशेंट मैंने देखा, कोई ऐसे पड़े हैं, कोई वैसे पड़े हैं, किसी को बॉटल चढ़ा है, किसी को कोई बॉटल ले रहा है। तो कैसे कैसे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये आप तो चीकू हॉस्पिटल के जस्ट नीचे ही हैं। आप अपना चेकअप कराएं चीकू रेस्टोरेंट मैम, मैम कहीं आप थोड़ा चेक करवाइए सभी का, ऊपर वाले में डालना और आराम से थोड़ा देखना, बैग फटे ना कि बहुत सामान हो गया। कहाँ से रीवा का बेटा टूटे ना, गुड़ में कहाँ से? गुड़ का गुड़ में मेन मार्केट से, कौन सा? आर्ट्स कैंडी विद्यालय गुड़ जिला रीवा मध्य प्रदेश। अच्छा तो क्या आगे थोड़ा सा, मैं उसे बिया किया हूँ। बिया बिया हो गया आपका? बिया क्या, बिया 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 किया आपने? फर्स्ट ईयर का बिया किया है? नहीं, फर्स्ट ईयर में मैंने छोड़ दिया था, आई मीन कुछ प्रॉब्लम की वजह से। क्या छोड़ दिया था, प्रेम में पड़ गए थे क्या? लगता है ऐसे ही कुछ है थोड़ा बहुत। गेहूं की कटाई लगी थी क्या सर? वही गेहूं कटाई लगी थी तो चला गया था मैडम के साथ काटने। प्रेम किससे हुआ था? प्रेम किससे हुआ था? आप उसका आइडेंटिटी बताना चाहेंगे, आप पब्लिक को आप शेयर करना चाहेंगे? पब्लिक को नहीं शेयर करना चाहता, मारी हमका मारी। जनता है आपका, सपोर्ट ही करेगी आप ना, बताओ बताते चावा थी, बताओ सही बताते चावी दे आई था। रिवाड़ी में कहावत थी कि पहली का छींक बंद हो जाए। जी जी भाई साहब क्या बताना चाहेंगे आप? ये बोल रहे थे कि रिवाड़ी में हमारी एक कहावत है कि पहला का छींक बंद। नहीं भैया है मस्का तो फाड़ जाते हैं। आप हमारी पब्लिक को बताना चाहेंगे? सब्सक्राइब करेंगे मस्का तो फिर खसखत ना बनी बताए दे थे। नहीं मस्का तो फाड़ जाते हैं, नहीं मस्का तो खसखत ना बनी। आपका ये गुड़ जो है रीवा में कहाँ पड़ता है, किस एरिया में? अरे नहीं वो उनका है, मेरा नहीं है, मेरा उनका है। जल्दी बताइए समय कम है। मैं अपने में ही डालता हूँ, प्रोफेशनल अकाउंट है मेरा भाई, ये सब थोड़ी डालूंगा। 25 किलोमीटर उसकी दूरी 25 किलोमीटर है ना। तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे शूटिंग के बारे में? शूटिंग के बारे में मैम बता दिया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया, बहुत ही आनंद आया। बहुत कुछ अच्छा लगा, बहुत कुछ अच्छा क्या लगा? जैसे कि सबसे अच्छा आपको वहाँ मेरे को लगा कि जितने मेरे कलाकार थे सभी से मुलाकात हुई, अच्छा मुलाकात हुई। और बेस्ट टू मान लीजिए सबसे अच्छा वहाँ आपसे मुलाकात हुई। मैं कौन हूँ? हाँ तो आप कौन हूँ? आप यानी आप मैम है? मैं हूँ आप।
है ये मैम है क्या है बकरी है अरे माइक आपके पास रख रहे हैं शर्मा क्यों रहे भाई बताइए बताइए पहली बार इधर से आ गए तो दूसरी बार मिलिए आइए दूसरी बार मिला रहे हैं मिलिए बार मिले हैं कंसर्न करिए बताइए अपना इंट्रोडक्शन बताइए नाम बताइए कहां से बहन से कौन से बहन उनको बताइए शर्मा क्या नाम है आपका नंदन हो चाहे रघुनंदन हो जल्दी कम ऑन बॉयज कम ऑन चलिए नेट पर नहीं मिल रहा है इनका जी से आइए आइए विकास जी विकास जी आप छोटू दादा के फैन लगते हैं क्या बहुत बड़े फैन हैं कि हमारे पास कई सारी फोटोज हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं ये जी जी हमारे साथ काम भी कर चुके हैं जी टीम के साथ और भी कई सारी लोगों के साथ काम कर लगे हैं सब सब आ रहे हैं बहुत बड़े हैं ये आप लोग का कैसे प्रेम और आशीर्वाद बना रहे हैं जी बिल्कुल बना रहेगा आप सभी प्रेम बना रहे हैं आप कहिए जब आप ये जान आए इनको विकास जी ये बोल रहे हैं जाम हाजिर है तो आप क्या इनका जान लेना चाहेंगे अगर दे देंगे तो ले लेंगे छोटू दादा और विकास के बीच में फाइटिंग चल रही है और ये बोल रहे हैं जान देने ये बोल रहे हैं जान देंगे और जान लेंगे आइए जान पा रहे हैं ना जान दे ले ले पा रहे हैं ये जान ले लिया है और इन्होंने दे लिया है जान ले ली है अब ये किसी की जान नहीं रह गए हैं जिसने मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाएगा तो उसका हाथ कटवा लिया जाएगा अब तुम किसी के ऊपर जान देने लायक नहीं बचे हो इनका सेंस ये है कि दो जिसमें एक जान बन चुके हैं विकास जी और छोटू जी इसी के साथ ही चीकू हॉस्पिटल के क्लोजअप आ रहा है आपके में हाँ आप बोलिए क्लोजअप में है मैं बस क्लोजअप तो मेरी बहुत बकवास फोटो आती है अब दूर से ही लेंगे मुझे काफी में बहुत अच्छा लगा छोटू जी से बस मेरा यही है ये हमेशा आगे बढ़ते रहें इसी तरह पब्लिक को एंटरटेन करते रहें और इनकी पब्लिक हमारी पब्लिक और हमारी पब्लिक इनकी पब्लिक क्या बोलती पब्लिक अखा छोटू जिंदाबाद छोटू दादा जिंदाबाद छोटू दादा जिंदाबाद थैंक यू गाइस आप लोग खुश रहें लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें हाँ इनका लाइक और इनका कमेंट और इनका शेयर करना ना भूले और इनका लाल बत्ती दबाना ना भूले बेल आइकन बटन दबाना ना भूले थैंक यू गाइस कल मिलते हैं आप ओके बाय